ध्यान से सुनना, कलयुग कहां कहां रहता है सुनिए। चार स्थान है कलयुग के। पहला स्थान धूतम, जिस घर के व्यक्ति जुआ खेलते हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जिस घर के सदस्य जुआ में रुचि रखते हो, ऐसे घर में कलयुग का वास है। दूसरा पानम, दूसरा जिस घर के सदस्य मदिरा पान करते हो, मदिरा पीते हो, मदिरा विक्रय करते हो, अब आजकल तो हनुमान जी बचाएं बड़ा उल्टा जमाना आ गया। अभी लॉकडाउन में शराब बंद हुई थी, एक दिन के लिए शराब की दुकानें खुली, तो टीवी पर जो न्यूज चल रही थी उससे हमें तो भैया हाई फाई बीपी हो गया। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां लाइन में लगी। बताओ भाई, राम जी बचावे अब तो। जय 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 बजरंग बली, हे हनुमान जी अब तो आप ही बचाओ। बताओ, हम विचार कर रहे थे कि जो माता जी रात को पीती होंगी, बच्चों का फिर क्या कहना। मान लो छोटे बच्चे अगर रोते होंगे तो वो माताजी गोद में लेकर थोड़ी खिलाती होंगी, दो ढक्कन बच्चे को पिला देती, ले तू ही पी। बताओ भाई, राम जी बचावे, ऐसे कलयुग से दो। तो दूसरा कलयुग का दूसरा निवास कहां है? भूतम पानम, जहां मदिरा पान की जाती हो, मदिरा बेची जाती हो, जिस घर के सदस्य मदिरा पीते हो, ऐसे घर में कलयुग का निवास है। किसका निवास है? तीसरा स्थान सुनिए, स्त्रियः सूना, जिस घर का पुरुष पर स्त्री का गमन करता हो, संग करता हो, और जिस घर की स्त्री पर पुरुष का संग करती हो, और ऐसे घर में दोनों में से कोई भी एक रहता है, उस घर में कलयुग का निवास है। चौथा कलयुग का निवास सूना, जिस घर के सदस्य मांस का भक्षण करते, मांस का विक्रय करते, जीव जंतुओं की बिना किसी कारण बस हत्या करते, ऐसे घर पर कलयुग का वास है। कलयुग परीक्षित जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले श्रीमान आपने जितने बुरे बुरे स्थान थे सब दे दिए, मकान चाहे जैसा हो पर बैठ का ठीक होना चाहिए, तो कृपा करके हमें एक कमरा ठीक ठाक दे दो। कलयुग बोला महाराज हम में अवगुण अवगुण नहीं है, गुण भी है। क्या गुण है? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत फलम लभते सम्यक कलौके सब कीर्तनाथ। महाराज हमारे अंदर गुण ये है कि कलयुग में यज्ञ तप हवन करने की आवश्यकता नहीं, केवल कथा में भगवान नाम का कीर्तन कोई करे सो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, ए हा गोस्वामी जी क्या कहते, ए हा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, ए हा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, ए हा
कलयुग केवल हरि गुण गा, पावहिं नर पावहिं नर। जो भी कलयुग में भगवान का नाम लेगा, जाप करेगा, कीर्तन करेगा, वह बिना प्रयास के परमात्मा के धाम को जाएगा और परमात्मा के चरणों को पा जाएगा।